वो एड्रेस भेज जाए आज भेज होगा सड़ो 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 ओए डीते रे वा ओए सड़ो सड़ो सारे जा सारे जा हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। व्यूवर्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और मेरी तरफ से आज जुमातुल मुबारक सब दोस्तों को, सब फ्रेंड्स को। और आज अभी तकरीबन 8 बजे का टाइम हुआ है और उठते ही मेरा काम लैपटॉप पे। ये आपको पता ही है कि यूट्यूबर की ज़िंदगी कैसी है, ऐसी है। सोया, लैपटॉप छोड़ के उठा, लैपटॉप खोला और काम करना शुरू कर दिया। बस यही सीन चलता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। तो बाकी ये कि अभी एक वीडियो एडिट करनी है, उसके बाद मेरे ख्याल में जुमे का टाइम हो जाएगा, फिर जुमा पड़ेगा। अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया, पहले मेरे ख्याल में मुझे नाश्ता कर लेना चाहिए ताकि जो ना फिर मुझे कुछ फीलिंग ना हो, मतलब बाहर जाने की। ये वो खाना अगर खा के बाहर सो के मैं लैपटॉप पर आता हूँ ना, तो फिर एडिटिंग लगा के, एक्सपोर्ट पर लगा के, लोडिंग पर लगा के फिर मैं नहा के जुमे की तैयारी कर सकता हूँ। तो इससे बेहतर यह है कि मुझे पहले नाश्ता करना चाहिए। ये ना देखना कि ये क्या हाल बना हुआ है, ये देखें, ये वायरें वायरें, चश्मा, कैप, लैपटॉप लैपटॉप, कीबोर्ड, मतलब ये देखना बुरे हालात बने हुए हैं। तो यार ये फील ना करना कि पता नहीं क्या हो सीन बना हुआ है। शुली पुत, क्या हो गया पुत को? दो जी, शुली हो गया बीमार, पेट में दर्द, रात को क्या खाया? ओए अंडा मुँह तो खा दिया ना। अभी मेरा वॉयलेट देखते हो, इधर वॉयलेट तो नहीं पड़ा हुआ। वॉयलेट 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 है, वॉयलेट कहाँ पे है भैया? हाँ ये इसमें से पैसे लेते हैं और चलते हैं। बस अब दो रोटियां लगाना। अभी जी मैं वापस पहुंच चुका हूं नाश्ता करके, और वापसी अभी मैं लैपटॉप को ऑन करूंगा। तो बाकी ये कि मुझे नींद आने लगी है, इसलिए मैं नाश्ता नहीं करता, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती है। कुछ चीज़ खा लूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बस मैं अभी गिरने लगा हूँ, नींद आने लग जाती है। तो अभी मेरा दिल कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, लेकिन अगर मैं सो गया तो हो सकता है कि जुमे के टाइम पर भी ना उठा जाए मुझसे। लेकिन जुमा लाजमी पढ़ना यार बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। पिछली बार मुझसे मेरे ख्याल में रह गया था, हाँ पिछली बार भी ऐसा हुआ था, मैंने नाश्ता किया और 10-11 बजे का टाइम था, मैं सो गया और मेरी 3 बजे आँख खुली। अभी जी डेटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अभी जुमे का टाइम हो चुका है, इसलिए अभी कपड़े प्रेस करेंगे और कपड़े प्रेस करने के बाद फ्रेश होना, फ्रेश होने के बाद फिर जुमा पढ़ने के लिए जाएंगे। तो चलो पहले कपड़े प्रेस करते हैं फिर नहाते हैं। ये काम पहले घर वाले और बहनें माँ करती थी और आज हम परदेश में रहते हुए खुद कर रहे हैं। तो ये है जी हमारी मेहनत और घर में हुक्म चलाने वाले, यहाँ पे देख लें खुद इस्त्री कर रहे हैं, कपड़े प्रेस कर रहे हैं। ओ माय गॉड, ये क्या लगा हुआ था नीचे? शिट 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 शिट, ओ माय गॉड। पहले मैं इसको सेट कर लूँ फिर मैं करता हूँ। वही बात हुई जो मुझसे जो ना हो गया ना, मुझे यही बात का डर लग रहा था। ये देखें, ये भी लग गया निशान और ये भी निशान लग गया और यहाँ पर भी लग गया थोड़ा सा। तो मेरे ख्याल में ये इससे ख़राब होने की वजह से ये ना सारा लगा हुआ, ये देख, ये चीज़ है यार। शिट, बहुत दुख हो रहा है, अभी इसको वॉश करना पड़ेगा यार। अब चलो इसको रखते हैं और दूसरा सूट पकड़ते हैं। सूट ख़राब हो गया है वाइट कलर का, अब मुझे पहनना पड़ेगा ब्लैक कलर का। ये ना यार ये बहुत मसला कर रही है इस्त्री। तो बाकी ये कि गड़बड़ हो गई है, बाकी कोई बात नहीं, अब इसको घर लेके जाएंगे फिर वॉश करवा के फिर जो ना लेके आएंगे। अभी ये बेकार हो गया हुआ है, जुमा पढ़ने जाना यार वहाँ पे, और शलवार के ऊपर ये लग गया हुआ है। कोई साइड पे होता तो फिर बंदा कहता भी, ये शलवार बिल्कुल सामने नज़र आएगी ये बात। तो अब इसको ऐसे रख देंगे पैक करके और घर में जाके वॉश करवाएंगे। अभी मैं ब्लैक सूट पकड़ता हूँ, वो प्रेस करते हैं। अब जी आगे जी सूट ब्लैक सूट, और इसको अब प्रेस करेंगे तो जो है ना फिर निकलते हैं। अभी जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहा के फ्रेश हो के कपड़े चेंज कर लिए, वो ब्लैक सूट पहना है। वाइट सूट का आपको पता ही है कि वो इस्त्री जो है ना लगने की वजह से मतलब ख़राब हो गया हुआ है, लगी नहीं है मतलब कि वो नीचे जो है ना जंग वगैरह लगा हुआ था उसके ऊपर, जब वो गर्म हुई है तो उसने वो जंग छोड़ना शुरू कर दिया, तो वो
ऊपर से वाइट सूट था उस पर जाहिर है वो फील अच्छा खासा होगा, तो ये ब्लैक सूट था इस पर लगा भी हुआ तो फील नहीं होगा। तो अभी ये ब्लैक सूट पहनना वो जंग लगने की वजह से प्रेस करके जो ना पहन लिया, नहा के फ्रेश हो गया हूँ, अभी मैं जुमे के लिए तैयारी कर रहा हूँ, जुमे के लिए तैयार हो चुका हूँ लेकिन बस अभी स्प्रे लगानी है जो ना परफ्यूम लगानी है। जी फ्रेंड्स वेलकम बैक, और जुमा पढ़ के मैं वापस फ्लैट पे दोबारा पहुँच चुका हूँ और लाइट गई हुई थी, अभी भी लाइट आई, मैं जैसे दरवाज़ा खोला और लाइट भी आ गई हुई है। तो बाकी ये कि अभी ये कपड़े चेंज करता हूँ और बाकी अभी का कोई प्लान नहीं है बाहर का, शायद मे भी हो सकता है कि हम कोई बाहर प्रोग्राम करने के लिए जाएँ। मैडम से मेरी बात हुई थी लेकिन मैडम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है जिस वजह से जो है ना हम बाहर नहीं जा रहे, तो बाकी ये है कि हो सकता है कि बाहर जाएं, अगर नहीं गए या गए तो फिर ये पहन लूँगा कपड़े, अगर नहीं गए तो मैं अभी तो ये उतार ही रहा हूँ, तो बाकी अगर जब गए तो फिर दोबारा ये पहन लूँगा। बाकी ये है कि जुमा पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस आ चुका हूँ और बाकी ये अभी कंटिन्यू रखते हैं। और ये ना देखना कि जी ये ऊपर मस्जिद लिखा हुआ है, मुझे ये जो कैप है ना ये मुझे मिली है कमरे से, इसी कमरे से मुझे ना शुली जो ना लेके आए थे इस कैब को ना, शुली कह रहा था कि मुझे रास्ते में गिरी भी मिली है, रास्ते में पड़ी हुई थी, तो मैंने पकड़ ली तो मैं ले आया। तो बाकी मैंने कहा चलो अगर ले आए तो बस ठीक है, ऊपर मस्जिद लिखा हुआ है, जितने भी जिससे भी मैं मिलता हूँ वो कहता है कि भाई ये मस्जिद की कैब उठा के ले आयो, मस्जिद की कैब उठा के ले आओ, भाई मेरे मैं खुद उठा के नहीं लेके आया, ये रास्ते से शुली को मिली और शुली ने इधर कमरे में रखी तो मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, नमाज पढ़ने लग गया तो इसको ले जाता हूँ साथ। तो ये ना देखना कि जी ऊपर मस्जिद लिखा हुआ है और ये मस्जिद की कैब मैं उठा के लेके आया, नहीं भाई ये मुझे कमरे से मिली है, मैं इसको नहीं उठा के लेके आया। जी मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ और असल में ना बाद में आपको बताता हूँ, वो बर्गर जिससे खाता हूँ ना मैं तो वो अभी तैयारी कर रहा है, इसलिए मैंने कहा चलो यार कुछ उतनी देर में बंदा जो है ना मसरूफ तो हो किसी काम में, तो ये मैंने ले लिया। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाइट पार्क में, वहाँ पर बैठ के जो है ना थोड़ी बहुत हवा लेते हैं। अभी मैं पार्क में आके बैठ गया, वहाँ कौन खाई है, कौन खाने के बाद मैं गुजर रहा था तो पास ही जो ना फालसा वाला खड़ा हुआ था, तो ये मैंने आधा किलो फालसा ले लिया, सॉरी आधा किलो नहीं पाव ले गया, पाव और पाव फालसा लेके मैं पार्क में बैठ गया हूँ और अभी जो ना फालसा खा रहा हूँ साथ साथ बाइट की नेचुरल जो ना हवा ले रहा हूँ। कमरे में सुबह से लेकर रात सारी तक मतलब मैं कमरे में बैठा रहता हूँ यार, बोर हो जाता हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो आज बाहर पार्क में जाता हूँ, तो इसलिए मैं बाहर मेन पार्क में आया हूँ, ये बड़ी पार्क है इस एरिया की। अभी जी हमने टिका के लूडो खेली है और दो दो गेमें हमने की हैं, अब सब सुकून है अब सब सुकून है, सुकून है भाई साहब, यकीन करें इन्होंने हमें जलील किया हुआ था, दो दिन पहले हमने जो ना गेम खेली थी इनके साथ लेकिन हम हार चुके थे और आज तक इन्होंने हमें यही बातें सुनाई गई कि जी आए दो 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 करके, तो आज आप साहब दो हो गए और दूसरे मैं आपको बशिंदे दिखाता हूँ, ये देखें ये दो बंदे और ये बंदा था एक और ये मेरे साथ मेरा हांटी था और ये बंदा था एक जो है ना जिसको आज दो 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 तो अभी हम साहब तुसी हो किन्ने हो इन्हें किन्ने दो मान जो तो अभी जो ना लूडो खेली थी, बाकी है कि नमाज रह गई है लूडो के दरमियान। ये जो फ्लैट है ना ये फ्लैट है कजनों का, यहाँ पे सारे कजन ही रहते हैं, कोई खाला का बेटा है, कोई मामू का बेटा है, कोई कैसे सारे कजन ही रहते हैं, और मैं इस फ्लैट के अंदर तकरीबन एक साल डेढ़ साल पहले जो ना मतलब डेढ़ साल मैं यहाँ पे रुका हूँ, ठीक है, और इस डेढ़ साल रुके हुए को मतलब दो साल हो गए, दो साल पहले मैं इधर तकरीबन एक साल डेढ़ साल रुका हूँ, इस फ्लैट के अंदर मैं रहता रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से चला गया घर, और घर के जब मैं वापस आया 5 महीने ठहर के घर से वापस आया ना तो इधर जगह फुल हो गई थी, इसलिए यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैं यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो सका। महाराज जी पंखा खराब हो चुका है और शिरली साहब को ऊपर मैंने चढ़ा दिया, ये देखें कुर्सी के ऊपर खड़ा हुआ है शिरली साहब पंखा साफ भी करना जी, पेज पेज दिया लो पेज आ गया, पंखा साफ करना है इंस्टाज जी, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ 3-5 ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ 2.2-2.5 ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਚੱਲ
ਵਾ ਓਏ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਸਾਰੇ ਜਾ ਸਾਰੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੜਿਆ ਚੱਲ ਜੀ ਹਲਾ 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 मैं जब कमरे में आया ना तो इसको देखा ये बिल्कुल स्लो चल रहा था। मैंने शुली को कॉल की भाई पंखा गया तो आग इसको सेट कर दे। तो वो उसने आगे चेक किया लेकिन वो जो कंप्रेसर लगा हुआ था ना वो भी ठीक था। उसने अपने बैग से निकाल के एक और कंप्रेसर दो इकट्ठे कर दिए तो वो तो बहुत स्पीड में हो गया यार। आज तक इतनी स्पीड ही नहीं हमें मिली। बाकी ये गर्मियां निकालते रहे हम ऐसे कैसे ही, लेकिन आज सुकून हो रहा है। आपको एक मजे वाली बात बताऊं, आपको एक मजे वाली बात बताऊं, हमें 3 साल हो गए यार रहते हुए, एक दिन पंखा साफ नहीं किया। मट्टी के किन के ढेर लगे हुए हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमें मट्टी चाहिए। मैंने कहा ट्राला बाहर आ जाए, यहाँ से मट्टी के ढेरों ले जाए। क्या ले चुल्ली क्या ना लाया? मैं क्या लिबर्टी मार्केट, लिबर्टी मार्केट आई है। अभी जी हम वापस आ चुके हैं, 12:33 का टाइम हो चुका है और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। और अभी इस व्लॉग को एडिट भी करना है, एडिट करने के बाद सुबह मैंने 8 बजे इसको इंशाल्लाह पब्लिक भी करना है। और अभी इसको एडिट करूँगा, मुझे 1 बज जाएगा, 1-1.5 का टाइम हो जाएगा। तो बाकी ये कि आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मस्ती की, इंजॉय किया, आपको हंसाया भी। अगर आपको व्लॉग देख के थोड़ी सी स्माइल आई है आपके फेस पे तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।